बन जाती है। यहाँ पर देखिए सूप में हम इस तरह से फटिक रहे हैं यार, देखिए यहाँ पर गोजर है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। सो दोस्तों, अभी हम लोग बैठे हुए हैं काम करके, और काम हमारा था सरसों, जो हम लोग परसों दिन पिटाई किया था, मतलब अगले दिन वो वाला बचा हुआ था, तो उसको फिर से आज पीट करके साफ कर दिए आंगन को। और फिलहाल अभी बैठे हुए पैर हाथ धोआ करके, यहाँ पर गए थे चारू पापा और चारू की दादी और मंगरू गए थे घरबरी कल खाने के लिए, तो वहाँ से बूंदिया और सेवई मिठाई लाए हैं जो नाश्ते में मिलता है, तो बहुत ज़्यादा मिला था। दादी चारू दादी बता रही थी तो वही वाला मिठाई है, तो अभी फिलहाल बैठ करके खा रहे हैं दो ना। और बहुत बड़ा खतरनाक चीज निकल गया था हम लोग को, जो सरसों हम लोग बचा कर रखे थे, इसलिए बचा करके नहीं रखने का होता है, लेकिन पानी आ गया था और उसके बाद में टाइम नहीं मिल रहा था, तो हम लोग नहीं उसको पीट करके हटा रहे थे, तो आज हटा रहे थे। और हटाने के बाद में किस तरह से काटा नहीं, क्योंकि चारों उसी में खेल रही थी और हम लोग भी दोनों जन उसी से पीट रहे थे, लेकिन नहीं काटा, काफी ज्यादा खतरनाक और वो जहरीला चीज है, काटता है तो उसको बहुत खतरनाक मानते हैं हम लोग। काम यहाँ पर शुरू हो गया है, इस तरह से हम फटिक बना करके पहले पीट के हटा लिया। हटाने के बाद में ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा एक आध किलो होगा शायद, ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है उसको हटाना तो पड़ेगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर रख दे रहे हैं बना करके, और अभी काफी ज्यादा काम है और भी। ये सरसों को हटा देंगे, उसके बाद में वहाँ पर छोटा सा हम लोग राहर लगाए हैं थोड़ा सा, तो राहर को भी ला करके यहीं पर रखना है, तो इस वजह से इसको साफ कर दे रहे हैं। तो ज्यादा नहीं है तो फटिक फटिक करके हटा दे रहे हैं। फिर उसके बाद में भी चलेंगे, लहसुन हम लोग का हो चुका है, लहसुन तोड़ने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सूप में हम इस तरह से फटिक रहे हैं यार, देखिए यहाँ पर गोजर है, ये देखिए बहुत बड़ा सा है, इसीलिए हम सफाई कर दे रहे हैं, पानी आया हुआ है तो इस तरह से गोजर, ये देखिए इसको नीचे उतार, तो उसको साइड कर दिए, चल गया उधर फेंक दिए, और यहाँ पर इस तरह से हम निछोड़ निछोड़ करके हटा दे रहे हैं, इस तरह से काफी ज्यादा चल गया ने। चारू ले आई है फटल सूप, और यहाँ पर अभी फटिक रही है। हम उधर गए थे फटिक नहीं, इसीलिए वो भी जाने खोज रही है। इस तरह से जमा हो जाता है, इसको इस तरह से साइड कर सकते हैं आराम से। नहीं सकेगी बेटी, रहने दो नहीं तुम, नहीं सकेगी तुम, छोड़ दो, मम्मी कर रही है ना, छोड़ दो, तुम करेगी आप। ऐसे जान जाती है। तो दाना तो हम देखे आप सभी कितना सा हुआ, इसको रख दिए रूम में, और फिलहाल अभी इस सारे को साफ कर देते हैं, और आंगन को भी लिपाई करना है, तो अभी तो नहीं करेंगे, कल कर देंगे, कल कर ही देंगे, फिर उसके बाद में राहर को ले आएंगे। मले 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 मले
बाबे को उठा लिए, फिर उसके बाद में इसको जला देंगे आग, तो मांड हो जाएगा। काम से अभी फुर्सत हो चुके हैं, फाइनली हमारा काम जो था सरसों वाला वो काम हो चुका। फिर शाम को हम बैल बांधने गए थे, बैल बांध करके आ चुके हैं, तो अभी शाम हो गया है। तो फिलहाल अभी खाना बनेगा, चावल और टमाटर का चटनी। तो यहाँ पर हम तोड़ लिए हैं टमाटर, ये ताजे ताजे जस्ट अभी तोड़ तोड़ करके लाए। ये काफी ज्यादा ये खट्टा लगता है, इससे ये टमाटर से ज्यादा खट्टा लगता है। हाँ 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 तोड़ लिए। तो फिलहाल अभी चलते हैं खाना बनाने, टमाटर की चटनी और अरवा चावल की भात, बहुत मस्त लगेगा खाने के लिए। तो टमाटर को इस तरह से पहले धो लेंगे, उसके बाद में काटेंगे और इसको तो एक बार और धोएंगे। यहाँ पर पानी इस तरह से डाल के, तुम हटो ना, साइड हो जाना, तुम क्या कर रही है यहाँ पर आए? तो फिलहाल हम काटते हैं टमाटर को। तो टमाटर हम काट लिए हैं, ये देखिए। अब चलते हैं इसको भूंजने, और आधन भी चढ़ा लिए हैं दोनों तरफ। ये देखिए आधन चढ़ा दिए, पानी अभी सुसुम हुआ है, ज्यादा गर्म नहीं हुआ है, तो कढ़ाई इधर चढ़ा दिए। जल्दी दोनों तरफ दो अच्छे वाला चूल्हा है, तो जल्दी फटाक से बन जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर तेल डाल लेते हैं और उसके बाद में बनाते हैं। बहुत दिन हो गया टमाटर खाए हुए। बिहार में थे तो उस टाइम हम लोग का उधर काफी ज्यादा महंगा था, 30 से 40 रुपए केजी था। तो खाने का तो मन कर रहा था लेकिन नहीं बना करके खाते थे, क्योंकि महंगाई ज्यादा था, इस वजह से। तो और बाहर में जाने के बाद में थोड़ा थोड़ा बचा करके चलना होता है, और यहाँ पर पहले ही लगा करके गए थे, तो फिलहाल अभी पक गया है, तो सोचे कि क्यों ना बना करके एक बार खाएं। तो यहाँ पर पचफोरन है और यहाँ पर हम लहसुन तैयारी कर लिए हैं। थोड़ा सा तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल मेरा गर्म हो गया है, जिसमें हम पचफोरन और लहसुन को डाल दिए हैं। अब अच्छे से पचफोरन और लहसुन थोड़ा हीट होगा, और लाल वाला मिर्चाई को ही डालेंगे। यहाँ पर है, शुक्रवार को गए थे हम ना, तो लेकर के आए थे लाल वाला का मिर्चाई का, खाने का सौंधान ही कुछ अलग होता है। तो थोड़ा सा लहसुन को थोड़ा सा कलर आने देते हैं, भुजाने देते हैं, उसके बाद में मिर्चाई को डालेंगे। तो अब हम डाल देते हैं इस तरह से। तो मिर्चाई का भी कलर आ चुका है, तब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो अब हम यहाँ पर टमाटर के साथ में अब हम डाल देते हैं नमक, और चला करके और ढक देंगे ताकि जल्दी गल जाएगा। और तब तक हम इधर पानी गर्म हो गया है, तब तक हम चावल को अच्छे से बना लेंगे, धो करके रख लेंगे, ताकि वो भी अच्छे से फूलते रहेगा। तो चावल धोने तक, बनाने तक यहाँ पर टमाटर हमारा अच्छे से पूरी तरह गल चुका है। नमक डालने का यही एक फायदा होता है, नमक अगर कोई भी चीज में अगर जल्दी ना गलता हो तो नमक डालने बस फटाक से गल जाता है। तो टमाटर हमारा गल गया है, और अच्छे से हम इसको पूरी तरह से ठांस दे रहे हैं, महीन कर दे रहे हैं। और अदहन हो चुका है, सनसना रहा है, पानी सिर्फ खोला नहीं है, खोलेगा तब ही हम चावल को डालेंगे। धो करके हम यहाँ पर रख लिए हैं, देखिए चावल ये फूल रहा है। तब तक हम इधर टमाटर को अच्छे से पूरी तरह से भून देते हैं। खाना हमारा बन गया है, टमाटर चटनी और अरवे चावल का भात। तो यहाँ पर देखिए हमने बना दिए हैं भात और यहाँ टमाटर का चटनी, तो और थाली भी हम लगा लिए हैं। तो सारे थाली में अब हम निकालते हैं सारे परिवार के लिए फिलहाल, और सारे को ही धोवा करके बैठ चुके हैं। पानी पहले ही दे दिए थे, खाना आप सबको निकालते हुए बता रहे हैं। तो यहाँ पर चावल है, तो निकालते हैं। कि काफी मस्त एकदम बना हुआ है, गर्मा गर्म एकदम अरवे चावल के साथ में खाएंगे टमाटर की चटनी, काफी मस्त लगेगा एकदम। तो निकालते हैं। तो चावल हम बांट दिए हैं, ये देखिए थाली थाली में। अब हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पर टमाटर का चटनी, काफी मस्त एकदम खुशबू आ रहा है, सभी के लिए निकालते हैं।
तरह से साइड साइड में ही लगा दे रहे हैं, थाली मतलब कि डूबे में नहीं बांट रहे हैं। और यहाँ पर है चारों के लिए छोटा सा कटोरी, इसी में डाल दे रहे हैं। काफी मस्त वो भी खाती है, एकदम चटनी जब रह जाता है तो काफी अच्छा खाती है वो भी खाना, बोलती है मम्मी चटनी। तो निकाल दे रहे हैं, चारों पापा को अलग देंगे, फूल का थारी है तो अलग में देंगे। तो निकाल दिए हैं चारों पापा के लिए, और यहाँ पर पूरा परिवार के लिए निकल चुका है। तो अब हम सभी को खाना लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे परिवार के लिए खाना लगा दिए हैं, तो बाहर में ही सब कोई बैठ करके खा रहा है, गर्मी लगता है तो। और मम्मी नहीं उठी है, मम्मी वहाँ पर लेटी हुई है, बोल रही है थोड़ा सा खाएंगे लेकिन थोड़ा सा रुको। तो फिलहाल तो हम लोग खाना खा ही लेंगे। हाँ खा जाओ। तो फिलहाल हम ब्लॉग को इतने रखते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, खाना पीना खा करके सो जाएंगे, गुड नाइट।